दोस्तों, आईपीएल साल 2020 का सीजन शुरू होने में अब 20 दिन से भी कम का समय बचा है। जहां पर 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आईपीएल का सीजन खेले जाने वाला है, वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से लगातार बहुत बड़े बड़े अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल टीम नज़र आ रही है, जहाँ पर उनकी प्लेइंग 11 के अंदर सभी प्लेयर ऑलमोस्ट मैच विनर्स के बराबर हैं। जहाँ पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेइंग 11 बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि इनके सभी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा पावर फुल है। तो किसको टीम में रखा जाए, किसको टीम से बाहर निकाला जाए, ये बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों केकेआर के लिए एक बहुत बड़ी बुरी खबर अभी सामने निकल के आती है, जिससे केकेआर को काफी नुकसान हो सकता है और इनकी टीम काफी कमजोर बन सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या है ये बहुत बड़ी बुरी खबर जिसके कारण केकेआर टीम कमजोर बन सकती है? क्या बड़ी अपडेट, क्या बड़ी बुरी खबर केकेआर की टीम की तरफ से सामने निकल के आती है? आज की वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड ए टू जेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो वीडियो काफी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। पर दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके वीडियो लाइक करने से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज और अपडेट पर वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ आईपीएल और क्रिकेट के लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करें तो करंटली कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर इनके तीन प्लेयर काफी धूम मचा रहे हैं, जहां पर क्रिस ग्रीन, सुनील नारायण और आंद्रेस हल आते हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स है कि 10 सितंबर या फिर 12 सितंबर के बीच में ये यूएई पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, तीनों का फॉर्म काफी अच्छा है, जो आईपीएल के अंदर केकेआर को काफी ज्यादा मदद पहुंचाने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट केकेआर की तरफ से आती है। वहीं पर दोस्तों, एक बहुत बड़ी बुरी खबर सामने जो निकल के आती है वो ये है कि एक बड़ा खिलाड़ी आईपीएल नहीं खेलना चाहता है केकेआर की टीम से। दरअसल दोस्तों, ये टीम प्रवीण तांबे और हैरी गर्ने की रिप्लेसमेंट में काफी देरी कर चुकी है। और दोस्तों, अब इनके सामने एक तीसरी बड़ी प्रॉब्लम इस बड़े प्लेयर के बाहर निकलने से आ रही है। दरअसल दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से लगातार पहले बड़ी बड़ी टीमों से उनके प्लेयर बाहर निकलने की काफी ज्यादा खबरें आ रही है। जहां पर सीएसके की तरफ से सुरेश रैना बाहर हो चुके हैं, वहीं पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बेन स्टोक्स बाहर हो चुके हैं, और अब केकेआर की टीम को भी बड़ा झटका लगा है इयान मॉर्गन के तौर पर। दरअसल दोस्तों, इयान मॉर्गन अभी अपने बेस्ट करियर फॉर्म में चल रहे हैं और बहुत अच्छी रन रेट, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं इंग्लैंड के लिए, और उन्होंने काफी ज्यादा एक्साइटमेंट जाहिर किया है इस साल केकेआर की टीम की तरफ से आईपीएल खेलने को। पर अब दोस्तों, उनकी एक बहुत बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम के चलते वो केकेआर की टीम से बाहर हो चुके हैं। दरअसल उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी वो आईपीएल के ऊपर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, हालांकि वो बाहर सिर्फ शुरू के 2-3 मैचों के लिए ही हुए हैं। या दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आईपीएल शुरू होने से पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको खेलते हुए जरूर दिखें। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या इयान मॉर्गन केकेआर की टीम के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं या फिर नहीं। तो ये था इस वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।